तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 7 किया था उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। नमिता हैड अ क्यूबॉइड ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल सी नीड टू फ्रॉम अ क्यूब। तो नमिता के पास, ध्यान से समझिएगा, नमिता के पास एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, हाइट 1 सेंटीमीटर है, और इसका ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है, वह भी चौड़ाई ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे ऐसे कितने बॉक्स को एक साथ अटैच करेंगे कि एक क्यूब बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे जो हमें बनाना है उसका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ क्यूब, हमें बनाना था क्यूब, तो हमने प्रत्येक साइड का लेंथ निकालने के लिए हम कर देंगे एलसीएम ऑफ 2 सेंटीमीटर कॉमा 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर यह एमसीक्यू का क्वेश्चन होता तो हम बहुत आसानी से इसको बना सकते थे, ठीक है। उस पर भी विचार करेंगे एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिएगा यहाँ पर, आपने जब एलसीएम निकालोगे 1211 का, तो आपको 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा एलसीएम। सो हम बोल पाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, फॉर्मूला होता है ना साइड क्यूब, तो साइड की जगह पर 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर क्यूब हमें आएगा। हमसे पूछा जा रहा था हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स की बात हो रही है। सो हम निकालेंगे नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आया था अपना 80 सेंटीमीटर क्यूब आया, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर के से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 2 से यह 40 टाइम्स कैंसिल, दैट मीन्स 40, यही अपना फाइनल आंसर होगा। एक मिनट, हमसे मिस्टेक हो गया है, 80 नहीं है, 8 है, 8 0 कैंसिल, यानी 4, कितना आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। यही क्वेश्चन को अगर हम लोग एमसीक्यू में करने चलते तो हम क्या करते, ध्यान से देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 है, इसको 3 पुराने के लिए के 2 का घटी है, 1 2 की 2 2 की कमी है, और 1 और पुराने के लिए 1 और 1 की कमी है, और मल्टीप्लाई करने पे 4 ही आता है, ऐसे भी आंसर 4 ही आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन।